देखिए, बहुत कम ही होता है कि हम लोग कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, लोग आके पूछते हैं कि कौन सा फ़ोन है। तो ये फ़ोन है लावा का भाई, लावा का UA3। और जब हम इसका रिव्यू शूट कर रहे थे तो भाई काफ़ी लोग आके ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सा आईफोन है। भाई पीछे देख के आपको भी यही लगा होगा कि ये आईफोन लाइक डिज़ाइन वाला कौन सा फ़ोन आ गया। तो ये भाई लावा का UA3 और इसका प्राइस है भाई 6799 रुपीज़, 4GB 64GB के लिए। अगर आप 7299 देते हो तो आपको 4GB 128GB और एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ मिलता है। तो ये फ़ोन का आज हम टेस्ट करने वाले, ये देखने वाले कि ये भाई लावा का जो ये आईफोन है वो कितना गर्दा उड़ाता है। वैसे इसका बेस्ट पार्ट ये है कि लावा का कि आपको फ्री होम सर्विस देती है ये कंपनी, मेड इन इंडिया भी है, और ये वीडियो जो है कोलैबोरेशन पे बन रहा है। लेकिन भाई आपको ये बता दें कि हम जितना टेस्ट किए हैं हमको ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया है और इसके बारे में आज सारा कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका कलर्स। इसमें 3 कलर्स आपको मिलता है, गैलेक्सी व्हाइट, लेवेंडर और इक्लिप्स ब्लैक। ये जो कलर है ये लेवेंडर वाला कलर है और ये पीछे से काफ़ी मतलब तगड़ा वाला फील देता है, बहुत अच्छा टच करने में फील देता है आपको। है तो प्लास्टिक लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इसका। वैसे इस फोन का सेल जो है आपको 7 फेब से है और ये आपको अमेजोन वगैरह और लावा के स्टोर वगैरह सब पे मिल जाएगा। कि जिस प्राइस रेंज पे आता है वहाँ पे यू शेप, वी शेप सब कुछ मिल जाता है आपको नॉच के नाम पे। लेकिन यहाँ पे भाई पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, 6.5 इंच का HD+ पंच होल डिस्प्ले है ये और 90Hz का रिफ्रेश रेट है। और भाई देखा जाए तो आउटडोर विजिबिलिटी वगैरह हम जब भी यूज किए हैं तो काफी अच्छा ये परफॉर्म करता हुआ दिखा है हमको, कोई भी इशू हमको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है। जिस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आता है वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आप बोल सकते हो। और ये फोन जो है आपको यूट्यूब पे 720p HDR वीडियोस प्ले कर लेता है और भाई इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो HDR वीडियोस प्ले करना बहुत बड़ा बात है, तो इसमें आपको प्ले हो जाएगा। प्रोसेसर भी बढ़िया दिया गया है, यूनिसॉक T606 प्रोसेसर है ये और ये भाई ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसका अंतुति स्कोर 2 लाख से ज्यादा आप कह सकते हो, तो भाई काफी अच्छा बोल सकते हैं। UFS 2.2 का भी स्टोरेज है तो लैग वगैरह हमको कहीं भी फील नहीं हुआ, जितना भी यूज किए सब बहुत बढ़िया है। इसको का बहुत बड़ा रीजन है भाई ये ब्लोटवेयर फ्री एंड्रॉइड 13 है, क्लीन OS है और इसमें भाई कोई एड्स वगैरह नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फालतू एप्स नहीं है। तो इस प्राइस में ये सब चीज मिलना भाई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और भी बहुत सारे फोन आते हैं लेकिन उसमें आपको ये सब चीज नहीं मिलता है जल्दी। और इतना ही नहीं भाई, इस OS में आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो भाई बैटरी अगर देखें तो भाई 5000mAh का बैटरी है, 18W का चार्जर जो है बॉक्स में मिल जाता है। तो डे टू डे लाइफ में हमको कभी भी कोई बैटरी को लेकर इशू तो नहीं हुआ। इस प्राइस सेगमेंट में जो भी फोन आता है उसका बैटरी अच्छा रहता है, तो जनरली इसका भी बैटरी बहुत बढ़िया चल रहा है। इतना भी हम लोगों ने कैमरा वगैरह यूज किया, कोई भी हमको कंसर्न हीटिंग से लेकर कोई भी चीज का नहीं हुआ। वैसे तो ये एक 4G फोन है लेकिन नेटवर्किंग वगैरह में कहीं भी कोई इशू नहीं दिखा हमको। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड माउंटेड मिल जाता है जो कि काफी फास्ट काम करता है और इसमें फेस अनलॉक भी मिल जाता है जो कि आप आराम से यूज कर सकते हो। डे टू डे लाइफ में हमको कभी भी कोई इशू इसमें नहीं दिखा। तो भाई बात करते हैं कैमरा का, भाई कैमरा कैसा क्या है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको सबसे पहली बात कि कैमरा अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है फोन भाई अंडर 7000 ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा हम बोल सकते हैं जितना भी टेस्ट किए हैं। प्राइमरी कैमरा जो इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, आपको इसमें 3 कैमरा वैसे मिल जाता है, आई डोंट नो कि उसमें क्या क्या है, एक AI और एक VGA कैमरा भी है, लेकिन मेनली आपको 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा है जो कि काम करता है। और इससे लिया गया फोटोज आप देख सकते हो, मतलब अच्छा डिसेंट सा फोटोज क्लिक करता है, डे टू डे लाइफ में आपको अच्छा फोटोज वगैरह क्लिक कर देगा। ऊपर में AI मोड भी दिया गया है, अगर आप चाहो तो AI ऑन करके भी फोटोज वगैरह ले सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आपको कि HDR मोड को आप ऑन कर लो अगेंस्ट द लाइट, आप खासकर फोटोज ले रहे हो तो HDR मोड ऑन करने के बाद साइड बाई साइड आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंस आता है इसमें। लेकिन इसके अलावा जितना भी हम लोग फोटोज लिए थे नॉर्मल मोड में या फिर HDR मोड में बहुत ही बढ़िया फोटोज निकल करता है। इवन जो लो लाइट का फोटोज था वो बोल सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट सा फोटो है, नाइट मोड वगैरह सब कुछ है इसमें, तो एक अच्छा फोन आप बोल सकते हो। डे टू डे लाइफ में अगर आपको फोटोज वगैरह क्लिक करना है तो आपको बढ़िया फोटोज यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ऐसे इस फोन का शटर लैग देखते हैं, वैसे इन सब फोन में बहुत ज़्यादा तो आपको एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, बट स्टिल आवाज़ से तो लग रहा है कि काफ़ी फास्ट फोटोज क्लिक कर रहा है जितना होना चाहिए। थोड़ा देखते हैं आपकी कि कितना फोटोज क्लिक हुआ है। तो बजट के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारा फोटोज इसमें क्लिक हो गया है। और अच्छा ये था कि भाई फ्लैश भी अगर आप यूज़ करते हो तो फ्लैश का एक्सपोजर काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता है। जनरली क्या होता है फोन्स ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज रखते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई अच्छा एक्सपोजर हैंडल करता है ये। तो भाई इस फोन में आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है और डिसेंट सा फोटोज आप इससे भी क्लिक कर सकते हो। हम ये तो नहीं बोलेंगे आपको कि एकदम बेस्ट वाला एज सेलेक्शन वगैरह मिल जाएगा, लेकिन हाँ जिस प्राइस सेगमेंट पे आप उस हिसाब से अगर देखो तो काफ़ी डिसेंट फोटोज वगैरह क्लिक कर लेता है। कोई भी इशू हमको इसमें ऐसा नहीं दिखा कि भाई जिसको लेकर कंसर्न वाला चीज़ बात किया जाए, मतलब एज सेलेक्शन ओके ही है बट क्वालिटी बहुत बढ़िया निकल के आता है। अगेंस्ट द लाइट थोड़ा अवॉइड करना बस फोटोज वगैरह लेना, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में विथ लाइट अगर आप फोटोज लेते हो बहुत बढ़िया निकल के आता है। भाई फ्रंट कैमरा का बात करते हो, भाई 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इससे लिया गया फोटोज आप मतलब देख सकते हो साइड बाई साइड अब कि भाई कैसा फोटोज आता है इसमें। पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है और ये एक अच्छा फ्रंट कैमरा है, आपको यहाँ पे भी अच्छा क्वालिटी का फोटोज वगैरह मिल जाएगा। हम इस प्राइस सेगमेंट में बोले तो हम ये फोटोज जो देखते हैं फ्रंट कैमरा का भले ही 5 मेगापिक्सल हो लेकिन भाई बहुत ही तगड़ा फोटोज निकाल के देता है। डे टाइम हो
या फिर लो लाइट में भी अगर आप फोटोज लेते हो एक्सपोजर अच्छा हैंडल करता है, कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। और एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखना, HDR ऑन कर लेना तो अच्छा फोटोज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और अगर आप वीडियोज वगैरह लेते हो तो यहाँ पे वीडियो में 1080p 30fps का वीडियो है। वैसे काफी सारा सेटिंग्स ऊपर जो है दिया गया है जिससे आप मतलब सेटिंग वगैरह करके काफी कुछ और एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने जो 1080p 30fps पे जो वीडियो लिया काफ़ी अच्छा निकल के आया। आपको इसमें EIS OIS को कुछ का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन डे टू डे लाइफ के लिए आपके लिए अच्छा वीडियो निकल के आता है, क्वालिटी बढ़िया है, आप शार्पनर डिटेलिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया बोल सकते हो। तो ये एक अच्छा फ़ोन है अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में वीडियोस वगैरह देखना है। तो अभी जो वीडियो देख रहे हो ये फ्रंट कैमरा में 1080p 30fps पर रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगेंस्ट द लाइट भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मेंटेन कर रहा है मेरे एकदम ठीक ऊपर सन है, बट स्टिल फेस को मेंटेन किए हुए हैं। और ये विद सनलाइट कुछ इस तरीके का वीडियो जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक जो फ्रंट कैमरा है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से वो मिल जाता है। तो अगर कैमरा सेटिंग्स का बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप कैमरा ओपन करते हो तो ऊपर में फ्लैश ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, HDR ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, ऑटो पे भी आप छोड़ सकते हो, AI मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स मिल जाता है आपको। सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में काफी सारा और ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो सेटिंग में अगर आप जाते हो सेटिंग में जाते हो तो वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन है, जिसमें कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो है 1080p 30fps है, लोएस्ट जो है CIA फॉर्मेट में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पे। नाइट मोड का भी एडिशनली ऑप्शन मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड में भी अगर आप आते हो तो ऊपर में कुछ फिल्टर्स वगैरह दिया गया है, बिल्कुल आईफोन की तरह ये सब कुछ वैसा ही मिलता जुलता फिल्टर्स है, और इसका फोटोज भी आप देख सकते हो। और नीचे में अपर्चर कंट्रोल और ब्यूटी मोड ऑन करने का ऑप्शन है कि फेस कैसा चिकना विकना क्या करना है उन सब चीजों के लिए। मोड सेटिंग में अगर आप जाते हो तो प्रो मोड का कंट्रोल मिल जाता है, और प्रो मोड में बेस्ट पार्ट की भाई ISO जो है 3200 तक जाता है, और काफी सारा और भी एडिशनल सेटिंग है, सब चीज का यहाँ पे कंट्रोल जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पैनोरमा मोड है, टाइमलैप्स मोड है, टाइमलैप्स में आपको सेटिंग करने का ऑप्शन है कि कितना स्पीड में आपको टाइमलैप्स पे कंट्रोल करना है, 4x से 1800x तक मिल जाता है। और स्लो मोशन मोड भी दिया गया है, स्लो मोशन रिजोल्यूशन रखना है 120fps 720p पे या 480p 120fps पे। इसके साथ साथ इंटेलिजेंट स्कैनिंग मोड और अल्ट्रा HD मोड है जो हाई रिजोल्यूशन फोटोज वगैरह आपको क्लिक करना है। तो भाई अब ओवरऑल बोलेंगे तो ये फोन एक डिजाइन के लिए तो भाई डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल डिजाइन है, आपको तो पता ही है, क्योंकि भाई आईफोन लाइक डिजाइन जो है वो इसको काफी नेक्स्ट लेवल बनाता है। और फोन भी काफी अच्छा है, जितना हम टेस्ट किए हैं, क्लीन OS, अच्छा कैमरा, बड़ा बैटरी, डिस्प्ले अच्छा है, तो सब कुछ इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से हम तो डेफिनेटली बोलेंगे ये फोन जो है गड़बड़ाता है। आप भी कर दौड़ा, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।